नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। कलाकंद बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है। इसे हम किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं या किसी भी खास अवसर पर कलाकंद बनाया जा सकता है। कलाकंद को बनाने के लिए हमें दो बर्तनों में दूध को गर्म करना होता है। बराबर बराबर दूध हम दोनों बर्तनों में ले लेते हैं। एक बर्तन में हम दूध का मावा बनाते हैं और दूसरे बर्तन में दूध को फाड़ करके पनीर तैयार करते हैं। इसके बाद दोनों को मिक्स करके एकदम ड्राई होने तक भूनते हैं, चीनी मिलाते हैं और कलाकंद जमा कर तैयार करते हैं। तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आज हम इंस्टेंट कलाकंद बनाएंगे, यानी कि हमारे पास समय कम है तो हम फटाफट जल्दी से कलाकंद बना करके तैयार कर लेंगे। तो आइए देखें इंस्टेंट कलाकंद बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये हमने 250 ग्राम मावा लिया है, 250 ग्राम पनीर लिया है और एक कप पिसी हुई चीनी है। ग्राम्स में नापेंगे तो लगभग 200 ग्राम पिसी हुई चीनी है। दो छोटे चम्मच घी है, 10-12 बादाम ले लिए हैं और 6 छोटी इलायची हैं। तो कलाकंद बनाने के लिए हम सबसे पहले मावा को भूनकर तैयार करेंगे। कढ़ाई गरम कर ली है और कढ़ाई में हम एक छोटी चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से मावा एकदम कढ़ाई में चिपकता नहीं है। घी को मेल्ट होने देते हैं और चारों ओर कढ़ाई से लगा लेंगे। मावा को क्रम्बल करके कढ़ाई में डाल देंगे और अब लगातार चलाते हुए मावा को बिल्कुल हल्का सा भून लेंगे। जस्ट हल्का सा कलर चेंज हो जाए, मावा से खुशबू आने लगे। गैस मीडियम रखेंगे। मावा अच्छे से मेल्ट हो गया है, खुशबू आ रही है मावा से और अब हम इसमें पनीर डालेंगे। तो गैस हम बिल्कुल धीमी रखेंगे और पनीर को क्रम्बल करके इसी में डाल देंगे और फिर मिक्स करके भूनेंगे। और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए 6-7 मिनट, यानी कि दोनों चीज़ें हमें लगने लगे कि अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तब तक भून लेंगे। गैस मीडियम रखेंगे। ये हमने 6-7 मिनट तक मावा और पनीर को मिक्स करके लगातार चलाते हुए भून लिया है और हमारा मावा पनीर दोनों मिक्स होकर एक ही दिखाई देने लगे हैं, यानी कि दोनों भून करके तैयार हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये कढ़ाई हम स्टैंड पर रख देते हैं ताकि जल्दी से हमारा मावा पनीर का मिश्रण ठंडा हो जाए। और जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इलायची छील करके पाउडर बना लेंगे और बादाम को पतला पतला काट लेंगे। ये पनीर मावा को हमने मिक्स करके भूना और अब हम इसे ठंडा कर रहे थे। बिल्कुल ठंडा हो गया है, हम इसको छू सकते हैं, कढ़ाई भी ठंडी हो गई है। और जब ये ठंडा हो जाएगा एकदम हल्का सा वार्म रहना चाहिए। एकदम ठंडा कर लेंगे और फिर चीनी मिलाएंगे तो ये बूरे की तरह से बिखर जाएगा और हल्का वार्म है तब इसमें चीनी मिलाएंगे तो अच्छे तरीके से मिल जाएगी। और सपोज ये ज़्यादा गर्म है और हमने चीनी मिला दी तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और जो हमारा मिश्रण है वो एकदम पतला हो जाएगा और फिर कलाकंद जमने में मुश्किल होगी। तो हम इसको जस्ट हल्का सा गर्म रहने देंगे। तो ये बिल्कुल हल्का गर्म है, कढ़ाई भी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी है इसको डाल करके अच्छे से मिला देंगे। इलायची का पाउडर हमने बना लिया, ये भी हम डाल देंगे और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। फिर से ये बिल्कुल एक जैसी दिखाई देने लगे। ये चीनी, मावा और पनीर का मिश्रण एकदम से अच्छे तरीके से मिलकर तैयार हो गया। अब हम इसे जमने के लिए किसी प्लेट या ट्रे में डालेंगे। तो ये हमने एक प्लेट ले ली है और हम इसमें थोड़ा सा घी लगा करके इसे चिकना करेंगे।
और अब ये मिश्रण हम प्लेट में डालकर जमाएंगे। मिश्रण को हम प्लेट में एक जैसा फैला देंगे और अब हम इसके ऊपर ये पतले हमने जो बादाम काटे हैं वो डाल करके लगा देंगे। पिस्ते हो तो पिस्ते भी इसी तरीके से पतले पतले काट करके डाले जा सकते हैं। घी की चम्मच से हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से दबा देंगे ताकि बादाम मिश्रण के अंदर सेट हो जाए और इसे हम अब जमने के लिए फ्रिज में रख देंगे। एक दो घंटे में कलाकंद जम करके तैयार हो जाएगा, तब हम इसके पीसेस काटेंगे। तो हम इसे जमने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। कलाकंद जम के तैयार हो गया है और अब हम इसको टुकड़ों में काट लेंगे। तो जितने साइज के टुकड़े आप करना चाहें उतना, थोड़े बड़े थोड़े छोटे, उस आकार में कर सकते हैं। तो हम इसे काट कर तैयार करते हैं। अब प्लेट को हल्का सा गर्म कर लेते हैं ताकि कलाकंद नीचे से आसानी से निकल आए। कलाकंद को हमने काट कर तैयार कर लिया। बहुत ही अच्छा कलाकंद बन कर के तैयार हुआ है और कलाकंद बनाना बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। कलाकंद को बनाते समय बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। पनीर और मावा जो हमने भून करके तैयार किया है वो गर्म ना हो चीनी मिलाते समय और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, एकदम हल्का वार्म रह जाए कि टच करे हल्का लगे कि हाँ हमने भुना है, ये नहीं लगे कि वो ठंडा ही रखा है। बस इतना गरम मिश्रण हमें चाहिए और उस मिश्रण में चीनी पाउडर मिलाएं और जमने के लिए रख दें। फटाफट जम करके कलाकंद तैयार हो जाता है। कलाकंद को फ्रिज में रख करके 3 या 4 दिन तक खाया जा सकता है। आप कलाकंद बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।